बता दें हैदराबाद तेलंगाना में मिस फायरिंग करने वाले टीआरएस विधायकों को खरीदने के अपने गुप्त अभियान के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अब महाराष्ट्र में भी बैकफुट पर है। भाजपा समर्थित एकनाथ शिंदे सरकार जो मुश्किल से 4 महीने सत्ता में है पहले से ही अस्थिर जमीन पर है। ऐसा प्रतीत होता है कि महाविकास आघाड़ी MBA सरकार को गिराने के लिए भाजपा द्वारा अपनाए गए रिश्वत की रणनीति में उछाल आया है, जिसमें 2 विधायक रिश्वत के आरोप लगाते हैं और यहां तक कि चेतावनी भी देते हैं कि वे सरकार को गिरा देंगे। इस घटना के बाद से महाराष्ट्र में राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, जिसमें पूर्व मंत्री और प्रहार संगठन के संस्थापक बच्चू कडू ने निर्दलीय विधायक रवि राणा के साथ मौखिक गोलियों का व्यापार किया। राणा ने बच्चू कडू पर उद्धव ठाकरे खेमे से वफादारी बदलने के लिए शिंदे खेमे से 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाने के बाद दोनों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बच्चू कडू ने नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वह अकेले गुवाहाटी नहीं गए थे। उन्होंने कहा, अगर मुझे 50 करोड़ रुपए मिले होते तो राणा समेत बाकी सभी को इतनी ही रकम मिलनी चाहिए थी। उन्होंने आगे राणा को चुनौती दी है कि वह 1 नवंबर तक MBA सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त के अपने आरोपों को साबित करें, ऐसा न करने पर वह एक आंदोलन शुरू करेगा। उन्होंने कथित तौर पर शिंदे सरकार से अलग होने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सभी आरोपों को दूर करने की मांग भी की है कि क्या उन्होंने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना विधायकों और निर्दलीय विधायकों को पक्ष बदलने के लिए पैसे दिए थे। राणा ने भाजपा का समर्थन किया और उनके आरोपों ने हम में से 7 या 8 को नाराज किया जो शिंदे के साथ हैं। हम एक साथ बैठ सकते हैं और भविष्य की कार्रवाई का फैसला कर सकते हैं, बच्चू कडू ने अपने कथित तौर पर कहा। बच्चू कडू ने आगे कहा कि MBA सरकार में मंत्री थे और उन्हें शिंदे सरकार में भी शामिल किया गया है। खासकर कैबिनेट विस्तार की खबर आने के बाद से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं बच्चू कडू और रवि राणा के बीच मौखिक द्वंद के बीच उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कथित तौर पर दावा किया है कि शिंदे खेमे के कम से कम 10 विधायक शिंदे के वादों को पूरा करने में विफलता का हवाला देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, खासकर कि शिवसेना पार्टी उनकी है।